नमस्कार, बीएनएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं वीके मिश्रा और आप देख रहे हैं भदोही जिले की प्रमुख खबर। देखिए, ये रैली जो है पीसीआरए हमारा पेट्रोलियम पंजाब नेशनल रिसर्च एसोसिएशन द्वारा एक महीने का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारा पर्पज ये है इस प्रोग्राम करने का, जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे हमारा एलपीजी हो गया, पेट्रोलियम हो गया या और डीजल हो गया, इन सब को कैसे कम इस्तेमाल किया जाए और इस पर अधिक हमारी डिपेंडेंसी अधिक ना बढ़े, इसके लिए ही हम लोग इस पूरे महीने प्रोग्राम कर रहे हैं। किसी हफ्ते हमको जो है वॉकाथन कर रहे हैं, किसी समय हम लोग साइक्लोथन कर रहे हैं। कई डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम हो रहे हैं। आज के दिन जितने प्रोग्राम में सब वॉकाथन हो रहे हैं। हमारा इस महीने का, इस साल का 2020 का जो हमारा इसका थीम है, उसका थीम ये है कि आओ ईंधन अधिक ना खपाएँ, आओ पर्यावरण बचाएँ। तो इस थीम के चलते ही हम लोग इस पैदल यात्रा से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमें जितना से ज़्यादा हो सके पैदल चलना चाहिए या पर्सनल व्हीकल का ना यूज़ करके जो हमारा गवर्नमेंट की हैं, जो ट्रांसपोर्ट की बसें हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो है हम ईंधन को बचा सकें। ईंधन बचाने से ये होगा कि हमारे पैसे भी कुछ बचेंगे और हमारे आने वाली फ्यूचर के लिए भी हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसको हम उनके लिए भी बचा के रख पाएंगे। इसका ही देखिए, हालांकि ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सक्षम का प्रोग्राम है, ये ऑल ओवर इंडिया में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट डिसाइड किए गए हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो रहा है। जैसे 19 जनवरी को वाकाथन हुआ और साइक्लोथन हुआ था जो कि मिर्ज़ापुर में हुआ था। ऐसे ऑल ओवर इंडिया पीसीआर की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में किस दिन कौन सा प्रोग्राम डिसाइडेड है वहाँ पे है। ऐसा शहर का ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है इसलिए यहाँ को फोकस किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज जाएगा। किसी गांव में करने से ये होगा कि कम लोगों को मैसेज जाए, वहाँ पे कम लोग एकत्रित हो पाएंगे। शहर में करने का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज जाए कि कम से कम प्राकृतिक ईंधन का इस्तेमाल किया जाए।